हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे विच आर बेस्ड फॉर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन के लिए। अगर एमसीक्यू आते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और सब्जेक्टिव है तो एज इट इज सब्जेक्टिव तो हम करेंगे करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास रूट गिवन है -3 एंड -11, तो अल्फा की वैल्यू -3 मीन्स हमें रूट गिवन है, अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को लेट कर लिया। तो अगर हमने, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -14 के इक्वल आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ गया, 33। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, तो अब इसको अगर कंपेयर करें -b/a के साथ, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगा दो, तो ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई, ये p की वैल्यू आ गई। तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर लो, जैसे यहाँ पे कर रखा है x²-sx+p=0। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ गया, x²+14x+33=0। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करना तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -14 that is equal to -b/a, और p की वैल्यू हमारे पास है 33 that is equal to c/a। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है। नाउ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 14, क्योंकि -b की वैल्यू -14 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 33। तो अब जो पॉलिनोमियल है, जनरल इक्वेशन हमारे पास जो है ax² + bx + c, तो वहां पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया सेम थिंग, x² + 14x + 33=0। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड आप कर सकते हो, आंसर विल बी दी सेम। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, अगर रूट हमें गिवन है 1/2 एंड -3/4, अगेन एक को अल्फा कंसिडर कर लेंगे और दूसरे को बीटा कंसिडर कर लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -3/4। तो अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गया, -1/4, मीन्स अल्फा प्लस बीटा जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, -1/4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें दैट इज -3/8, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया -3/8 और सम हमारे पास आ गया -1/4। अब x²-sx+p में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो हमारे पास आ गया, जब एस और पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास आ गया 8x² + 2x - 3=0, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 8 है, 4 और 8 का एलसीएम की अगर बात करें दैट इज 8, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो या आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, ठीक है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है उससे। तो यहाँ पे अगर एस की बात करें -1/4 है, और पी की बात करें दैट इज -3/8। अब कंपेयर करने से पहले हमने क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ठीक है, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या बनाना है, सेम। तो अब 4 को 8 बना देंगे, क्योंकि 4 और 8 का एलसीएम हमारे पास 8 है, तो हम क्या करेंगे, 4 को क्या बनाएंगे, 8 बनाएंगे। 4 को 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास न्यूमरेटर जो आ गया, न्यूमरेटर हमारे पास आ गया -2 और डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया 8। तो अब कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अब इसको किसके इक्वल रखेंगे, -b/a के इक्वल, इसको c/a के इक्वल रखेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 8, बी की वैल्यू आ गई 2 और सी की वैल्यू क्या आ गई, -3। और अगर डायरेक्ट वैल्यू में फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें ax² + bx + c=0 में, तो हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। तो
आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ गई तो वो हमारे पास आ गई 2x² - 7x - 22 = 0। नाउ नेक्स्ट, नाउ अब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमने याद करनी है। ये आपने 8th 9th में ऑलरेडी कर रखा है कि α³ + β³ = α+β² - 3α β (2α+β). सिमिलरली α³ - β³ है तो ये वाली आइडेंटिटी है। α² + β² है, देन इट इज α+β² - 2α β। एंड α - β² है, देन दैट इज इक्वल टू α² (α+β² - 4α β). और कुछ और लगेंगी प्रॉपर्टीज तो जो भी होगी तो वो मैं साथ साथ आपको करवा दूंगा। नाउ अब इसके बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। नाउ इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सम ऑफ रूट दे दिया एक तो वो हमें 3 गिवन है, और एक और हमारे पास दे दी इक्वेशन, एक और सिचुएशन दे दी सम ऑफ देयर क्यूब्स, वो हमारे पास क्या दे दिया 33। तो सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो अल्फा और बीटा की अगर बात करें तो अल्फा और बीटा कंसिडर करेंगे, लेट अल्फा बीटा बी द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ दी बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी हमें इक्वेशन चाहिए थी उसके हमने रूट क्या कंसिडर कर लिया, अल्फा प्लस बीटा। अभी हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू सेपरेटली नहीं पता, ना तो हमें अल्फा की वैल्यू पता है ना ही बीटा की पता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी क्या है वो भी हमें गिवन है, दैट इज 63। यहाँ पे लिखा है ना सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 63, तो ये वाली दो वैल्यूज हमें पता है। इन दोनों को यूज करके हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है, मीन्स एस की वैल्यू तो पता है, या फिर हम क्या कर लेंगे पी की वैल्यू अगर अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लें तो हम डायरेक्टली फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x² - SX + P, ठीक है। तो एस की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे 3, अब हमने क्या करना है पी की वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों की हमने सेपरेटली वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नाउ अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 3 गिवन है और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमें 63 गिवन है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे अगर आइडेंटिटी की बात करें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा की, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इस वाली आइडेंटिटी में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 63 है, ये वाली आइडेंटिटी पहले लगाई आपने, लिखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने आइडेंटिटी लिखनी है, उसके बाद क्या करेंगे उसमें 1 by 1 करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 63, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, ठीक है। जो जो वैल्यूज हमें पता है वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ गई -4 के इक्वल। तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज -4, इट मीन्स यहां से हमारे पास क्या आ गई पी की वैल्यू आ गई। अब एस की वैल्यू ऑलरेडी पता थी, पी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x² - SX + P = 0। तो उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई x² - 3x - 4 = 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट, अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया डिफरेंस ऑफ द रूट्स, मीन्स α - β की वैल्यू गिवन है वो हमारे पास 5 है, और उसके बाद और क्या दे दिया डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, उनके क्यूब्स का डिफरेंस भी हमें दे दिया, तो वो हमें गिवन है 215। अब ना तो यहाँ पे हमें हमारे पास एस की वैल्यू है और ना ही हमारे पास पी की वैल्यू है, इट मीन्स हमने दोनों की वैल्यू क्या है एवेल्यूएट करनी है, तो कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो फिर से वही बात, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें सेपरेटली तो नहीं पता, लेकिन हम आइडेंटिटी यूज करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो अगेन यहाँ पे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब ये वाली वैल्यूज में एक तो हम अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा यूज करके हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर इस आइडेंटिटी को यूज करें, तो इस आइडेंटिटी को यूज करने के बाद हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब हमने क्या करना है, इट मीन पी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहां पे देखिए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी हमें पता है, गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। तो अगर ये वाली आइडेंटिटी यूज करके हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 49। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है, इसके होल स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 49 आ गई। अब स्केयर की वैल्यू अगर हमारे पास 49 है, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मीन प्लस माइनस 7। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर की वैल्यू अगर 49 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, या तो प्लस 7 होगी या फिर क्या होगी, -7। तो हम दोनों यूज करेंगे, ठीक है, एक बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 यूज कर लेंगे, दूसरी बार क्या कर लेंगे, -7। तो सबसे पहले वही फार्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, एक बार वैल्यू +7 पुट कर देंगे, एक बार वैल्यू क्या कर दी, -7 कर दी। तो ऐसे करके हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक तो हमारे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, और दूसरी हमारे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशंस, जिनका डिफरेंस हमें, डिफरेंस ऑफ रूट हमें 5 दे रखा था, और डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब हमारे पास क्या गिवन था, 215। तो दीज आर टू रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब और क्वेश्चन करेंगे, तो ये तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसके बेस पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे आएंगे। मीन्स अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो डेफिनेटली अगर उसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ दिस एफ एक्स, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो डेफिनेटली अल्फा प्लस बीटा जिसको हम एस बोलते हैं, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई -b/a, और अल्फा पी की वैल्यू जो है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, c/a। अब इसके बेस पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कि अगर आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, अल्फा और बीटा रूट्स हैं इसके, तो आपने क्या करना है, 1/α प्लस 1/β की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करेंगे, टेक एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, विच कैन बी इन द नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -b/a है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a है, तो वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -b/a। तो इट मीन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यूज करके हम क्या कर सकते हैं, 1/α प्लस 1/β की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक हमारे पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कि आप अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड करो, तो उसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर -2α/β। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो -b/a होल स्केयर -2 × c/a, तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करो, तो उसके लिए हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3α/β
इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू यहाँ पे सबकी की हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा की भी पता है, अल्फा इंटू बीटा की भी पता है, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। एक आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अल्फा स्क्वेयर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करो, तो वो हमारे पास आ गया अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा अगर कॉमन ले ले तो वो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा पी और एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वेयर। तो ये चार तो मैंने बता दिए। एक और इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ ले, अगर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछ ले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग दी आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस फोर अल्फा बीटा। ये हमारे पास एस है, ये हमारे पास पी है, तो यहाँ पे एस और पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास आया था फॉर एग्जाम्पल 49। तो यहां से अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 49 है तो डेफिनेटली अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस 7 होगी। तो ऐसे करके हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा की अगर वैल्यू की बात करें तो दैट इज प्लस माइनस 7 फॉर एग्जाम्पल। ये हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की आ गई। और उससे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है एमसीक्यू में कि आप 1/α - 1/β की वैल्यू फाइंड करो। तो अगेन टेकिंग एलसीएम, वो हमारे पास आ गया अल्फा इंटू बीटा, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया बीटा माइनस अल्फा। तो इफ वी टेक कॉमन नेगेटिव फ्रॉम न्यूमरेटर तो वो हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस, तो या ये वाली माइनस मैंने यहां भी लगा दी, तो ये हमारे पास अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जैसे यहां पे फाइंड की है, एक बार +7 पुट कर देंगे, एक बार -7 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय पी। तो ऐसे करके हम 1/α - 1/β की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो उनका बेस जो होगा वो यही क्वेश्चन होंगे। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। नाउ जैसे अब यहां पे देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और अल्फा और बीटा इसके क्या दे दिए, हमें रूट दे दिए। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/a, तो वो हमारे पास +5 आ गई। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू की बात करें दैट इज c/a, वो हमारे पास क्या आ गई, 4। तो जैसे लास्ट मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ये वाला क्वेश्चन कराया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास ऐसे कुछ आ जाएगी और अल्फा इंटू बीटा की भी आ गई। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो वैल्यूएट कर सकते हैं। नाउ अब यहां पे हमें क्या पूछा गया है, 1/α + 1/β -2α β की वैल्यू पूछी गई है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, क्या आ गई, 5 के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 के इक्वल। तो अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे टू वैल्यूएट दिस वैल्यू। तो अब अगर 1/α + 1/β -2α β की बात करें, तो अगर एलसीएम ले इन दोनों का, यहाँ पे एलसीएम ले तो वो हमारे पास आ गया β+α/α β, और यहाँ पे तो हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की। तो यहाँ पे एस की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे भी पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 5/4 -2×4, तो वो हमारे पास आ गई 5/4 -8। और सिंपलीफाई करने के बाद, एलसीएम लेने के बाद, वो हमारे पास वैल्यू जो आ गई दैट इज -27/4। तो ऐसे करके हमने 1/α + 1/β -2α β की वैल्यू वैल्यूएट कर ली, दैट इज -27/4।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक पॉलिनोमियल दे दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो उससे मैंने क्या इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैंने पहले पहले आपको कराया था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसी का कराया था कि 1/α + 1/β की वैल्यू फाइंड करने का। अब पॉलिनोमियल गिवन है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे उससे, α + β - b/a, तो वो हमारे पास वैल्यू जो आ गई दैट इज 7/5। और अगर सी ओवर वैल्यू सी ओवर अल्फा इंटू बीटा की बात करें दैट इज सी ओवर ए, तो वो हमारे पास क्या आ गई 1/5। और अगर अब वैल्यू किसकी पूछी गई है, 1/α + 1/β की, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद वो हमारे पास आ गया अब β+α/α×β, ये हमारे पास एस है और ये हमारे पास क्या है पी। अब एस और पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू जो आ गई दैट इज 7। तो इट मीन 1/α + 1/β की वैल्यू जो आ गई दैट इज 7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है s-t = 3, और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है s/3 + t/2 = 6। तो जैसे लास्ट इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल x और y था, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक तो s है एक t है। तो सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 3 एंड 2 है, तो 3 और 2 का अगर एलसीएम करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों में जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें सेकेंड इक्वेशन को, तो वो हमारे पास आ गई, एक इक्वेशन आ गई, तो दैट इज 2s + 3t = 36। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, s-t = 3, ठीक है, और सेकेंड हमारे पास क्या आ गई, 2s + 3t = 36। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से एस और टी की वैल्यू फाइंड करो और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। कर तो आप कुछ भी सकते हो, चाहे फर्स्ट में से निकालो या सेकंड में से। आप ये ट्राई करो कि किसमें एक्स वाई या एस टी का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, आप कोशिश करो उसी इक्वेशन में से, जिस इक्वेशन में एस और टी या एक्स और वाई का कोएफिशिएंट, वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, तो उसी इक्वेशन में से एस और टी की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे क्योंकि एस का कोएफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से एस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ गई, t+3। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करेंगे और इसको इसकी वैल्यू जो है s = t+3 की सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकेंड में सब्स्टिट्यूट की, एस में सब्स्टिट्यूट की, तो ये हमारे पास आ गया 2 t+3 + 3t = 36। तो सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास 5t की वैल्यू 30 आ गई, इट मीन्स तो यहां से हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब t की वैल्यू जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, फर्स्ट में सेकंड में और थर्ड में किसी में भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t की वैल्यू 6 जो है हम सिंपल है थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है तो ये भी तो हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके ही, सिंपलीफाई करके ही फाइंड की है ना। तो एस टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी 6, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। तो सोल्यूशन इसका आ गया, एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। और नेक्स्ट हमारे पास है 3x - y = 3, और सेकेंड इक्वेशन है 9x - 3y = 9। नाउ कोई एक इक्वेशन कंसिडर करो, तो यहां से हम 3x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई दैट इज 3+y, ठीक है। सबसे पहले तो 3x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3+y, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y+3/3। तो क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये x की वैल्यू फाइंड की है, तो अब इस इक्वेशन को हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकेंड में। नाउ अगर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करें, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास सिंपलीफाई करने के बाद आ गया 3 और 3y कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 9 = 9। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब आप सॉल्व कर रहे हो तो
तो हमारे पास जैसे ऐसे इक्वालिटी आ गई, 2 इज इक्वल टू 2, 0 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 1, एंड सो ऑन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू मीन्स ये एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके हमने किसी दूसरी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास इक्वालिटी आ गई, इट मीन्स ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली जो दो इक्वेशन है, इसका हमारे पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन नहीं है। जैसे लास्ट हमारे पास इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक आ गई थी, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक नहीं है। और ऐसी इक्वेशन जहां पे एक ट्रुथ आ जाए, ठीक है, तो ऐसी जैसे इक्वालिटी आ जाए विच इज ट्रू ऑलवेज, जो हमेशा ट्रू है, तो ऐसी इक्वेशन का हमारे तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो ऐसी इक्वेशन का कौन सा सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, तो हमारे पास के रूट में इक्वेशन है, √2 × x प्लस √2 3 × y। नेक्स्ट इक्वेशन है √3 × x माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। तो अगेन फर्स्ट में से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में से निकाली है तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो -7y इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ गई 0/-7। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। और y की वैल्यू थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो तो, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, दिस इट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वालिटी आ रही थी विच इज ऑलवेज ट्रू, तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और यहां पे हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगेन हमारे पास क्वेश्चन एक फ्रैक्शन में आ गया, इक्वेशन फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे, पहले जो पहले किया था इन दोनों का हमारे पास एलसीएम 6 है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगेन यहाँ पे भी इन तीनों का एलसीएम हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, सेकेंड इक्वेशन को। तो सेकेंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन जो आ गई, दैट इज 9x-10y इज इक्वल टू -12, सॉरी हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2x+3y इज इक्वल टू 13। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 9x-10y इज इक्वल टू -12, और दूसरी इक्वेशन आ गई 2x+3y इज इक्वल टू 13। तो किसी भी एक इक्वेशन में से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट में से अगर वैल्यू निकालें एक्स की, तो वो हमारे पास आ गई -12+10y/9। तो इसको अब सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट में से निकाली है, तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब ये जो वाई की वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू अब हम किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3। ओके नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, 3x-y इज इक्वल टू 3, 9x-3y इज इक्वल टू 9, अगेन ठीक है, तो आई थिंक ये हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस एक और क्वेश्चन, तो अगर कोएफिशिएंट जो है हमारे पास डेसिमल में आ जाए, जैसे यहाँ पे हमारे पास 0.2 है, 0.3 है, 1.3 है, यहाँ पे हमारे पास 0.4, 0.5, तो 0.2, 0.3, तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारे पास आ गया 2x+3y इज इक्वल टू 13, और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दो सेकेंड इक्वेशन आ गई, 4x+5y इज इक्वल टू 23। तो किसी भी एक इक्वेशन में से, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड की, दैट इज 13-3y/2। अब इसको सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। अब वाई की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे थर्ड में, तो
तो थर्ड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जस्ट ए मिनट, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई थी, तो वाई की वैल्यू थ्री सब्स्टिट्यूट कर दी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1/α + 1/β माइनस अल्फा इंटू बीटा की। अगेन सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा α+β/α(β) माइनस हमारे पास क्या है α(β), तो दिस इज एस, तो ये हमारे पास आ जाएगा s/p, क्योंकि ये वैल्यू p की है और ये भी हमारे पास p है, तो s/p - p। नाउ तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स गिवन है, तो सम ऑफ सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास -1 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -4। और अगर अल्फा और बीटा क्योंकि इसके रूट्स हैं, तो हमारे पास α+β की वैल्यू क्या आ गई, -b/a, दैट इज 1। एंड अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी c/a, दैट इज -4। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, c/a, which इज इक्वल टू -4। तो अब वैल्यू किसकी पूछी है, 1/α+ सेम, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया α+β की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वो हमारे पास 1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4, और अल्फा इंटू बीटा की यहाँ पे भी हमने -4 सब्स्टिट्यूट कर दी, और सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया, तो इसकी वैल्यू जो आ गई दैट इज 15/4। तो 1/α + 1/β -α(β) की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 15/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है t²-4t+ पॉलिनोमियल गिवन है f(t)=t²-4t+3, और वैल्यू हमें पूछी गई है किसकी, α^4×β³+α³×β²। तो यहां से हम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा α+β, तो ये हमारे पास पी क्यूब के इक्वल है और ये हमारे पास एस है, तो ऐसे करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे α^4β³+α³×β²⁴ की वैल्यू वैल्यूएट कर लेंगे। नाउ पॉलिनोमियल हमें गिवन है, सबसे पहले α+β की वैल्यू फाइंड करेंगे -b/a के इक्वल, तो वो हमारे पास 4 आ गई, और α×β की वैल्यू हमारे पास आ गई किसके इक्वल, 3 के इक्वल, तो p की वैल्यू 3 आ गई। तो अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया, तो ये हमारे पास आ गया पी क्यू इंटू एस, तो ऐसे करके हमने पी क्यू इंटू एस की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज हमारे पास वो क्या आ गई, 108। नाउ अगेन अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं पी एस पॉलिनोमियल के, तो वैल्यू फाइंड करनी है हमने α/β+β/α+2 2 × 1/α+1/β+3 × α/β की। नाउ अगेन α+β की वैल्यू फाइंड करेंगे, α×β की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू पूछी है तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे बाकी तो सारा कुछ ठीक है, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ये हमारा p आ गया, ये भी हमारे पास p है, ये भी p है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो α²+β² हमने पहले भी एक शॉर्ट क्वेश्चन कर रखा है किस पे बेस पे, तो ये हमारे पास α+β²-2α β के इक्वल आ जाएगा, तो इससे हम α²+β² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे आइडेंटिटी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी आ गई, तो 1/1 करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, तो सिंपलीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ गई दैट इज, तो इसको सिंपलीफाई करते जा रहे हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इसकी, 8।
तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नाउ थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां पे अगर बात करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या आ गया, गिवन इक्वेशन का क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। ना तो सब्स्टिट्यूशन के मेथड में नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 1 0 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 8 kx माइनस 9 इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, 1 0 जो है दूसरी रूट का नेगेटिव है, देन वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड करनी है k की वैल्यू। नाउ पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो अगर इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू हमारे पास -8 k और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। नाउ अल्फा और बीटा इसके रूट कंसिडर करेंगे सबसे पहले। नाउ लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सम ऑफ द रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट दैट इज इक्वल टू -b/a, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2k के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें दैट इज c/a, तो वो हमारे पास आ जाएगा -9/4। आल्सो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है कि एक रूट जो है दूसरे रूट का नेगेटिव है, मीन्स अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट जो बीटा है वो अल्फा का नेगेटिव है, मीन्स बीटा की जो वैल्यू है दैट इज माइनस अल्फा। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ अल्फा, तो अल्फा माइनस अल्फा हमारे पास क्या आ गया, 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। और यहां से अगर सम ऑफ रूट की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ रहा था, 2k 9। तो इट मीन्स ये हो गया कि 2k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। इट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, नाउ अब वन रूट जो है दूसरे का नेगेटिव है, इट मीन्स बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ गई। और आल्सो इट इज इक्वल टू 2k, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2k के इक्वल भी है और हमारे पास 0 के इक्वल भी है, तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी और k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे 0। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स गिवन है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, 1। मीन्स दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या है, 1, और हमने क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू। तो अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के। तो सम ऑफ रूट की बात करें दैट इज -b/a, नेगेटिव ऑफ -5/a 1, तो वो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के। नाउ अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई, अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, सॉरी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 आ गई। नाउ यूजिंग दी आइडेंटिटी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वेयर, अगर दोनों को स्केयर कर दें तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 1 के स्केयर के इक्वल, तो इट इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, नाउ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वेयर यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो वो हमारे पास आ गया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वेयर, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर -4 अल्फा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, -4 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, के। तो ये हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 24 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4k के इक्वल, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, के। तो
तो यहां से हमारे पास 4K, 4K किसके इक्वल आ गया, 24 के इक्वल, और K की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्या आ गई 6। तो K की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर रूट फाइंड करने होते तो आप ये भी एक काम कर सकते हो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5 है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, तो दोनों को अगर ऐड करें तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 3। और अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, और के यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल, तो मीन्स 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां से भी आप इसको के की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अल्फा और बीटा रूट्स गिवन है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 24 के इक्वल। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, किसके इक्वल है, 24 के इक्वल। तो अगेन सबसे पहले fx हमारे पास जो गिवन है उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू के आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई, और सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 4। तो यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4, -4 ओवर के इक्वल। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें दैट इज 4 ओवर के। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की अगर वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके, तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर -2 अल्फा बीटा, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 ओवर के होल स्क्वेयर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 ओवर के इज इक्वल टू 24। और ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, किसमें, के में। और अगर इसको सॉल्व करें तो वी विल गेट, तो यहां से हमारे पास आ गया 24K² + 8K - 16 इज इक्वल टू 0। और अगर इसको 8 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 3K² + K - 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। फैक्टर बनाएंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, और वी कैन से दैट बाय सप्लीटिंग द मिडल टर्म। तो हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, K+1 × 3K - 2, दोनों को इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू, फर्स्ट फैक्टर को 0 किया तो K की वैल्यू -1 आ गई, और सेकंड फैक्टर को 0 किया तो यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो हमारे पास K की वैल्यू आ गई, एक तो K की वैल्यू -1 आ गई और दूसरी हमारे पास क्या आ गई, 2/3। तो यही K की वैल्यू हमें चाहिए थी। तो मैक्सिमम मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। सम ऑफ द स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द रूट्स हमारे पास किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। तो मीन्स अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू 40 है। अगेन आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करो, आइडेंटिटी यूज करो। आइडेंटिटी यूज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो 24/2 दैट इज वो हमारे पास आ गई 12। तो आप यहां से करेक्शन कर लीजिए, तो यहां पे हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो ऑलमोस्ट इसके साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अगर आपका कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आज इस वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और इससे रिलेटेड हम मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तो हमने इंट्रोडक्शन करनी है इसकी आज, और क्या करेंगे इसकी, सब्स्टिट्यूशन। नाउ पेयर ऑफ, हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो व्हाट इज इक्वेशन, सबसे पहले तो अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, अगर इक्वेशन वर्ड की बात करें, नो मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एट लीस्ट वन वेरिएबल, जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो, एंड एंड साइन उसमें किसका हो, इक्वल टू का साइन हो। मीन्स अगर उसमें कम से कम एक वेरिएबल हो,
ठीक है। और इज इक्वल टू का साइन हो, इज इक्वल टू चाहे 0 हो या इज इक्वल टू 5 हो या कुछ भी हो, तो अगर कोई ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें एक वेरिएबल है और साथ में एक इक्वल का साइन है, तो वो जो एक्सप्रेशन होगी, वो जो स्टेटमेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशंस बोलेंगे। नाउ जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वेरिएबल इसमें x आ गया और इक्वल टू का साइन है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, दिस इज इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें तो वेरिएबल हमारे पास y है और इक्वल टू का साइन भी है, सो देयरफॉर दिस इज इक्वेशन। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x है, इक्वल टू का साइन है, तो ये भी हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। ये यहाँ पे भी वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इक्वेशन। नाउ यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, कोई बात नहीं, मिनिमम यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट, कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, दो आए तीन आए नो इश्यू, तो यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन। सिमिलरली तो यहाँ पे भी हमारे पास टू वेरिएबल है और इक्वल टू का साइन है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन। नाउ अब लीनियर की अगर बात करें, तो इक्वेशंस की तो हमने बात कर ली, तो लीनियर की बात करें तो लीनियर का मतलब हमारे पास क्या है कि अगर किसी इक्वेशन में, अगर इक्वेशन में एक्स और वाई, जैसे जो यहाँ पे हमें बात करें टू वेरिएबल्स की, तो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल टू होने चाहिए, अगर इतनी सी बात करूं मैं, सो इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मतलब है हमने ऐसी इक्वेशंस कंसिडर करनी है जिसमें दो वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं। अब लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब है जैसे हमने पहले सेकंड चैप्टर में किया था, लीनियर पॉलिनोमियल कब, जब डिग्री वन होती है। तो अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें एक्स और वाई की डिग्री हमारे पास क्या है, वन, तो यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन में भी डिग्री वन है, तो ये हमारे पास, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। तो और हम यहाँ पे अब क्या लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमने पेयर, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल में हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होगी, कितनी कितनी हमारे पास कितनी होगी, टू, तो ऐसी दो वेरिएबल की हमने बात करनी है। तो लीनियर का मतलब डिग्री वन, पेयर का मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास क्या आएगी, टू आएगी, ठीक है। तो ऐसी हमने लीनियर इक्वेशंस की बात करनी है, एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, समथिंग लाइक दिस। और नेक्स्ट हमारे पास है 3x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो और अगर, तो ये तो हमारे पास पर्टिकुलर इक्वेशंस होगी, तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वो कैसी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो जो भी इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन है, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, बी की वैल्यू भी वन आ जाएगी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव। और सिमिलरली अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू थ्री आ जाएगी, बी की वैल्यू फाइव आ जाएगी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाइन आ जाएगी। तो दोनों हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। ए की अगर बात करें, ए इज आल्सो कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई और सी हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। और ए बी सी जो है वो हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और ए और बी की वैल्यू जो होगी वो दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगी, कहीं पे भी जीरो हो भी सकती है, लेकिन अगर जनरल फॉर्म में बात करें, टू वेरिएबल की बात करें, तो टू वेरिएबल में तभी होगी अगर ए और बी की वैल्यू क्या होगी, नो इट मस्ट बी नॉन जीरो। और ज्योमेट्रिकली अगर बात करें, और ज्योमेट्रिकली ये किसको रिप्रेजेंट करती है, अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन है, तो ये जनरली किसको रिप्रेजेंट करती है, एक एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो लाइन वो कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, जीरो जीरो से पास कर सकती है, ये भी हो सकता है वो जीरो जीरो से पास ना करे, उसकी नेगेटिव स्लोप हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेकिन ये अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो इट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। नाउ अब हम बात करेंगे कि
मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक तो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, और नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और ये वाला जो मेथड है तो ये रिवाइज जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, तो उसका पार्ट नहीं है। अगर कोई एडिशन होती है, चेंजेस आती है, अगर ये सिलेबस बाद में है, अगर इन फ्यूचर ऐड होगा तो मैं इसकी वीडियो अलग से बना के ऐड कर दूंगा। लेकिन इस चैप्टर में अभी हम क्या करेंगे, ये तीन मेथड ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका रिवाइज सिलेबस है, ठीक है, उसमें ये सिर्फ के सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, तीन ही मेथड है। नाउ आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होगी, जैसे यहां पे हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ फर्स्ट, तो लेट अस द नंबर ऑफ इक्वेशन की बात करें, सबसे पहले तो हम इक्वेशन को नंबर देंगे। तो यहां पे हमारे पास, जैसे हमारे पास है इक्वेशन वन इक्वेशन टू, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन कंसिडर करनी है। ये आपकी इच्छा है, आप इक्वेशन नंबर वन भी कंसिडर कर सकते हो, आप इक्वेशन नंबर टू भी कंसिडर कर सकते हो, कोई भी एक इक्वेशन कंसिडर कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको ज्यादा सिंपल लगे, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट दैट इक्वेशन, इधर वन और इक्वेशन नंबर टू। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर टू की, ठीक है, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करूं, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन भी हमने किसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है किसी में, तो सेकेंड इक्वेशन में से या तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, या आप कहने क्या करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से, ठीक है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक्स की बात करें तो एक्स की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 प्लस वाई, और अगर वाई की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी x-4। तो आप पहले तो हमने क्या करना है, दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन कंसिडर करनी है, फिर उस जो भी आपने इक्वेशन कंसिडर करनी है उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, ठीक है, या तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, या फिर क्या करनी है, हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अब एक्स की वैल्यू की अगर बात करें तो वो हमारे पास क्या आ गई, 4 प्लस वाई। इसको हमने एक थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर लिया। नाउ अब यहां से हमने वैल्यू फाइंड की थी, सेकेंड इक्वेशन कंसिडर करके हमने वैल्यू फाइंड की थी एक्स की। अब आपने क्या करना है, अगर तो आपने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो ये वाली जो वैल्यू है एक्स की, आपने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। आई एम रिपीटिंग, अगर तो आपने सेकेंड इक्वेशन में से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की है तो आपने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। लेकिन अगर आप फर्स्ट से वैल्यू फाइंड कर रहे हो एक्स और वाई की, तो आपने क्या करना है, सेकेंड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। इज इट क्लियर? मीन्स अगर फर्स्ट से वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर सेकंड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो क्या करनी है, आपने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब मैं, क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 प्लस वाई, क्या आ गई, 4 प्लस वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 4 प्लस वाई, प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास आ गया 4 प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 14। तो यहां से हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब वाई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप वाई की वैल्यू या तो आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, या सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, या थर्ड में, किसी में भी एक में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। किसकी सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई की। तो y की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, y की वैल्यू हमने 5 सब्स्टिट्यूट करनी है किसी इक्वेशन में, इधर इन 1, 2 और 3। नाउ अगर हम y की वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट करें, तो क्योंकि सिंपल है, हमने ऑलरेडी सिंपलीफाई करके x की वैल्यू फाइंड की है, तो y की वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट की 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो ये हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व किया और वहां से हमारे पास सॉल्यूशन जो आ गया एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है एस ओवर 3 प्लस टी ओवर 2 इज इक्वल टू 6। तो जैसे लास्ट इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल एक्स और वाई था, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक तो एस है एक टी है। तो सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 3 एंड 2 है, तो 3 और 2 का अगर एलसीएम करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों में जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें सेकेंड इक्वेशन को, तो वो हमारे पास आ गई, एक इक्वेशन आ गई, तो दैट इज 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। और सेकेंड हमारे पास क्या आ गई, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से एस और टी की वैल्यू फाइंड करो और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। कर तो आप कुछ भी सकते हो, चाहे फर्स्ट में से निकालो या सेकंड में से। आप ये ट्राई करो कि किसमें एक्स वाई या एस टी का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। आप कोशिश करो उसी इक्वेशन में से, जिस इक्वेशन में एस और टी या एक्स और वाई का कोएफिशिएंट, वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, तो उसी इक्वेशन में से एस और टी की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे क्योंकि एस का कोएफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से एस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ गई, टी प्लस 3। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करेंगे और इसको, इसकी वैल्यू जो है एस इज इक्वल टू टी प्लस 3 की सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकेंड में सब्स्टिट्यूट की, एस में सब्स्टिट्यूट की, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 5t की वैल्यू 30 आ गई, इट मीन्स तो यहां से हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब t की वैल्यू जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, फर्स्ट में सेकंड में और थर्ड में किसी में भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t की वैल्यू 6 जो है हम सिंपल है थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है तो ये भी तो हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके ही, सिंपलीफाई करके ही फाइंड की है ना। तो एस टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी 6, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। तो सॉल्यूशन इसका आ गया, एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई और टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। और नेक्स्ट हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। नाउ कोई एक इक्वेशन कंसिडर करो, तो यहां से हम 3x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई दैट इज 3 प्लस वाई, ठीक है। सबसे पहले तो 3x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 प्लस वाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y प्लस 3 ओवर 3। तो क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये x की वैल्यू फाइंड की है, तो अब इस इक्वेशन को हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकेंड में। नाउ अगर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करें, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास सिंपलीफाई करने के बाद आ गया 3 और 3y कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल टू 9। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो हमारे पास जैसे ऐसे इक्वालिटी आ गई, 2 इज इक्वल टू 2, 0 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू मीन्स ये एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके हमने किसी दूसरी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास इक्वेलिटी आ गई, इट मीन्स ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं, इसका हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। जैसे लास्ट हमारे पास इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक आ गई थी, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक नहीं है। और ऐसी इक्वेशन जहां पे एक ट्रुथ आ जाए, ठीक है, तो ऐसी जैसे इक्वालिटी आ जाए विच इज ट्रू ऑलवेज, जो हमेशा ट्रू है, तो ऐसी इक्वेशन का हमारे तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ऐसी इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन, मोर एग्जांपल,
तो हमारे पास ए रूट में एक इक्वेशन है रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू थ्री इंटू वाई, नेक्स्ट इक्वेशन है रूट थ्री इंटू एक्स माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अगेन फर्स्ट में से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में से निकाली है तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो -7y इज इक्वल टू जीरो, और वाई की वैल्यू की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ गई जीरो ओवर -7। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो, और वाई की वैल्यू थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो तो, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो। तो इसका यूनिक सोल्यूशन आ गया, ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो, दिस इट इज कॉल्ड यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वालिटी आ रही थी विच इज ऑलवेज ट्रू, तो वहां पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगेन हमारे पास क्वेश्चन एक फ्रैक्शन में आ गया, इक्वेशन फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे, पहले जो पहले किया था इन दोनों का हमारे पास एलसीएम 6 है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगेन यहाँ पे भी इन तीनों का एलसीएम हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, सेकेंड इक्वेशन को। तो सेकेंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन जो आ गई दैट इज 9x -10y इज इक्वल टू -12, सॉरी हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 9x -10y इज इक्वल टू -12, और दूसरी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो किसी भी एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट में से अगर वैल्यू निकालें x की, तो वो हमारे पास आ गई -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। तो इसको अब सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट में से निकाली है, तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब ये जो वाई की वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू अब हम किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3। ओके, नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, 3x -y इज इक्वल टू 3, 9x -3y इज इक्वल टू 9, अगेन ठीक है। तो आई थिंक ये हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस एक और क्वेश्चन, तो अगर कोएफिशिएंट जो है हमारे पास डेसिमल में आ जाए, जैसे यहाँ पे हमारे पास 0.2 है, 0.3 है, 1.3 है, यहाँ पे हमारे पास 0.4, 0.5, तो 0.2, 0.3, तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दो सेकेंड इक्वेशन आ गई, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो किसी भी एक इक्वेशन में से, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू फाइंड की दैट इज 13 -3y/2। अब इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। अब वाई की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे थर्ड में, तो थर्ड में सब्स्टिट्यूट, नाउ थर्ड इक्वेशन में वाई की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर बात करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या आ गया, गिवन इक्वेशन का क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। नाउ आज हमने थर्ड चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की इंट्रोडक्शन की, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहला मेथड किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। तो इससे पहले हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास है, तो जैसे यहाँ से, यहाँ पे एलिमिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि हमने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब क्या है कि हमने किसी किसी को रिमूव करना है, रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, लेकिन किसको करना है, ठीक है। ये जो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल में है, तो हमने एलिमिनेट करना है। या तो हम एक्स को एलिमिनेट करेंगे या फिर हम किसी वेरिएबल वाई को एलिमिनेट करेंगे। अब रिमूव किसको करना है, आप किसी भी, चाहे आप एक्स को रिमूव कर सकते हो या आप वाई को रिमूव कर सकते हो, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, कैसे रिमूव करना है। जो भी दो वेरिएबल हैं हमारे पास, एक्स और वाई, अगर के एक्स एक्स के कोएफिशिएंट्स सेम है, ठीक है, या फिर वाई के कोएफिशिएंट हम सेम है या सेम बनाएंगे, तो जो भी दो वेरिएबल है जिनके कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, अगर तो कोएफिशिएंट सेम है तो हम उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है और वाई का को सॉरी सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट के हमारे पास क्या है, -2 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों के साइन ऑफ डिफरेंट है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हो, वाई को भी एलिमिनेट कर सकते हो, अगर तो साइन सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन अगर दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ऑपोजिट है तो क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। जैसे अगर इस इक्वेशन में देखें, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक्स माइनस वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स प्लस वाई माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू सेवन, सेवन को पहली इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे, और x प्लस वाई हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी 1 है और y का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो दोनों को, अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 1 तो है लेकिन -1 है, और दूसरी में हमारे पास क्या है, +1 है। तो क्या करेंगे इस केस में, अगर आप वाई को एलिमिनेट करना चाहते हो तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ओके, नाउ अब हमारे पास एक्स और वाई दोनों का सेम है, वाई का सेम है लेकिन क्या है, साइन ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वाई दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो वाई अपने आप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 11। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के से हमारे पास वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, तो एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 18। अब एक्स की वैल्यू या तो अब 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो या सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी भी के एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे 1 में चाहे आप 2 में सब्स्टिट्यूट करो। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू 2 आ गई, तो इट मीन्स x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमने 10 को राइट हैंड साइड पे ले आए, तो यहां से 2 को भी राइट हैंड साइड पे ले आए। अब दोनों में हमारे पास, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, हमारे पास डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो एक्स का कोएफिशिएंट 3 है और वाई का कोएफिशिएंट 2 है, तो पहले को 2 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, और दूसरी इक्वेशन में
दूसरी क्वेश्चन में क्या करेंगे, दूसरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। या फिर आप क्या करो, यहां पे जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर आपने वाई का कोएफिशिएंट सेम बनाना है, अगर आपने वाई का कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो वाई पहली क्वेश्चन में 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, पहली क्वेश्चन को, और दूसरी क्वेश्चन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास कोएफिशिएंट आ जाएंगे, दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, तो क्या करेंगे उस केस में, ऐड करेंगे, ओके। नाउ अब यहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब पहली क्वेश्चन को 2 के साथ सॉरी पहली को हम क्या करेंगे, नाउ अब यहां पे हमारे पास पहली क्वेश्चन में 4 है और दूसरी क्वेश्चन में क्या है, 2 है। तो या तो एक आप ये काम कर सकते हो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन वर्क को रिड्यूस करना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है, दोनों का एलसीएम क्या है, 4, तो क्या तो दोनों का एलसीएम हमारे पास 4 है। अब 4 यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, अब इसको 4 बना देंगे, इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन विद 2, सेकेंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास आ गया 4x, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब दोनों को ऐड करेंगे, y को रिमूव करना है, दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 7x, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 7x इज इक्वल टू 14x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब x की वैल्यू क्या करनी है आपने, या तो आप x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद 4y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारे पास 1, जो है इस गिवन इक्वेशन का, गिवन पेयर का क्या आ गया, सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों में यहाँ पे अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, और वाई का यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 2। तो एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 3 है, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड फर्स्ट इक्वेशन को, दोनों को ऐड कर सकते हैं, कोई भी एक काम कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया 2x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास आ गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 4। तो x के कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद y की वैल्यू हमारे पास 6/5 आ गई। अब y की वैल्यू 6/5 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। तो x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू जो है 6/5, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नाउ वन मोर क्वेश्चन, x ओवर 2 प्लस 2y ओवर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले तो आपने फ्रैक्शन को रिमूव करना है। अब फ्रैक्शन को कैसे रिमूव करेंगे, x में डिवाइड के साथ हमारे पास 2 है और y में हमारे पास डिवाइड में क्या है, यहाँ पे 3, तो दोनों का कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे जो डिवाइड में है वो रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, 2 और 3 का पहले एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, तो अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है दोनों में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो पहली इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
और दूसरी क्वेश्चन में एक्स के डिवाइड में हमारे पास 1 है और वाई में हमारे पास क्या है 3, दोनों का एलसीएम 3 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड इक्वेशन को। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, पहली में जब इस इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई, और दूसरी हमारे पास आ गई 3x+4y इज इक्वल टू -6। तो अब यहां पे हमारे पास x के कोएफिशिएंट सेम है तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इजी है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो उस केस में आपके पास y का कोएफिशिएंट सेम आ जाएगा, साइन ऑपोजिट होगा तो आप क्या कर सकते हो वहां पे ऐड कर सकते हो, लेकिन यहां पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई -3। अब y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, थर्ड में या फोर्थ में, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारे पास -3 जो आ गई, इसका सोल्यूशन आ गया। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, 3x-5y इज इक्वल टू 4, और सेकंड हमारे पास है 9x-2y इज इक्वल टू 7। तो या तो आप इसको दोनों का एलसीएम 10 है तो इसको 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि साइन सेम है। या फिर अब इन दोनों में हमारे पास 3 और 9 का एलसीएम जो है 9 आएगा, तो उसका एलसीएम 3 और 9 का एलसीएम 9 है, तो हम क्या करेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। फिर दोनों का जब कोएफिशिएंट सेम आ जाएगा तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/3। अब वाई की वैल्यू -5/3 किसी भी के एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जैसे पहले भी किया हमने, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जब सिंप्लीफाई करने के बाद 3x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27/13, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9, x की वैल्यू क्या आ गई 9/39, सॉरी जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 9/13। तो x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13, तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ग्राफिकल मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड, एंड आल्सो वी विल डिस्कस कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नाउ सबसे पहले तो हम ग्राफिकल मेथड के साथ स्टार्टिंग करेंगे। तो जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, एलिमिनेशन मेथड किया था, नाउ वी विल डिस्कस ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जब आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्रॉपर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, विद फिक्स स्केल ओरिजिन। आप कोई भी एक स्केल फिक्स कर लो, जैसे यहाँ पे हमने कर लिया फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसिडर कर लिया, ठीक है, हमने एक स्केल डिसाइड कर लिया, तो जो भी ग्राफ पेपर पे जब आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करोगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, ठीक है, दिस इज 1 यूनिट, तो फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर के बाद ये हमारे पास 2 आ गया, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन। और ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू 0 होगी, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके वाई की वैल्यू 0 होगी, और ये हमारी वाई एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस है उसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी 0। और वाई एक्सिस को हम, जैसे अगर हम बात करें वाई एक्सिस है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स उसकी इक्वेशन की अगर बात करें तो वाई एक्सिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, उसकी इक्वेशन की बात करें। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 जो लाइन है
तो वाई इज इक्वल टू जीरो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सिस को। और अगर आपके पास ये आ जाए कि वाई इज इक्वल टू वन किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वाई इज इक्वल टू वन भी एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे वाई इज इक्वल टू जीरो हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो वाई इज इक्वल टू जीरो एक स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली वाई इज इक्वल टू वन भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, विच इज पैरेलल टू, जो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और वन डिस्टेंस वन यूनिट ऊपर। और सिमिलरली अगर वाई इज इक्वल टू माइनस वन भी की बात करें, तो वो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी। वाई इज इक्वल टू माइनस वन की बात करें, दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिस, तो जो जो पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली वाई एक्सिस की अगर बात करें, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो को इसकी इक्वेशन की अगर बात करें, दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सिमिलरली अगर एक्स इज इक्वल टू वन की बात करें, तो जैसे एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है, वाई एक्सिस है, तो एक्स इज इक्वल टू वन कैसी लाइन होगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, वन यूनिट राइट हैंड साइड पे, ठीक है। और सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की बात करें, तो वो माइनस वन कॉमा जीरो से पास करेगी, एंड इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इट मीन्स अगर हम बात करें वाई इज इक्वल टू सी, तो जैसे वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू वन, और जनरल फॉर्म की बात करें, वाई इज इक्वल टू सी, इट इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और एक्स इज इक्वल टू डी की बात करें, इट इज ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक जनरल ये आपके पास एमसीक्यू आ जाता है कि वाई इज इक्वल टू सी एंड एक्स इज इक्वल टू डी का ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो इनका, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन की पॉइंट की बात करें, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू कॉमा वाई की वैल्यू, तो डी कॉमा सी। नाउ ठीक है, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट, सबसे पहले जब ग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्व करना है, तो पहले प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक स्केल डिसाइड करेंगे। नाउ स्ट्रेट लाइन जो अगर हम बात करें, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की बात करें, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि अब हमने ऐसी दो इक्वेशन की बात करनी है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और एक दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएंगी, दो स्टेट लाइन्स आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट लाइन हमारे पास ये आ गई, और दूसरी कोई और स्टेट लाइन आ गई। अगर तो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे रीडिंग करनी है। जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको नीचे देखिए, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है, और इसके पैरेलल वाई एक्सिस पे अगर बात करें, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 4 आ रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दैट इज -3,4। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, -3,4 को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, और 2x + y इज इक्वल टू सिक्स, तो पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस, ग्राफ तो आपने लाइंस का 9th में भी प्लॉट कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक लाइन कंसिडर करो, सबसे पहले उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसकी लाइन को प्लॉट करेंगे। लाइन प्लॉट करने से पहले हम टेबल फॉर्म करेंगे, कौन कौन से पॉइंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को अगर आपने ड्रॉ करना है ग्राफ पे, तो हमें क्या चाहिए, दो पॉइंट्स चाहिए। किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, तो हमें क्या चाहिए, टू पॉइंट चाहिए। वो टू पॉइंट कहाँ से फाइंड करने हैं, स्ट्रेट लाइन से फाइंड करने हैं। नाउ एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्ट्रेट लाइन में, तो वाई की वैल्यू अगर जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू जीरो कंसिडर कर लेंगे। तो अब जब, तो सबसे पहले जब एक्स की वैल्यू जीरो की, तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 आ गई यहां से, इस इक्वेशन से, तो पॉइंट हमारे पास हो गया 0,3। अब उसके बाद क्या करेंगे, वाई की वैल्यू जीरो कंसिडर करेंगे, तो जब वाई की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, तो ये तो हमारे पास जीरो आ गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। तो
तो पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, 6.0। तो ऐसे करके हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। तो जब भी आपने स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना है ग्राफ पेपर पे, तो आपने दो पॉइंट्स, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x + y = 6। नाउ अगेन इसमें भी वही काम करना है, एक्स वाई दो पॉइंट चाहिए। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर उसके बाद वाई की वैल्यू 0 कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन से क्या आ जाएगी, 3। तो ऐसे करके हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आ गया 0.6 और एक पॉइंट आ गया 3.0। नाउ वन बाय वन इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले अगर इस लाइन की बात करें, अगर फर्स्ट लाइन की बात करें, तो पहले पॉइंट हमारे पास क्या आया, 0.3। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, ये वाला हमारे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, 6.0। अब दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दोनों को ज्वाइन करने के बाद पहला पॉइंट 0.3, उसके बाद 6.0, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये स्ट्रेट लाइन किन दो पॉइंट को ज्वाइन करके आई है, 0.3 और 6.0 को। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये किसकी स्ट्रेट लाइन है, x + 2y = 6 की। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास 0.6 है, पहला पॉइंट 0.6 ये आ गया हमारे पास y एक्सिस पे। दूसरा पॉइंट 3.0 है, तो 3.0 दिस इज 3.0। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई। नाउ ये वाली किसकी इक्वेशन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो ये किसकी इक्वेशन है, 2x + y = 6 की। तो वो आपने यहाँ पे लिख भी लेना है, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 2x + y = 6। ओके, तो आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले पहली इक्वेशन का टेबल बनाना है, उसके बाद जो दोनों पॉइंट्स आए उन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करके ज्वाइन करना है। पहली स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई x + 2y = 6। दूसरी लाइन में भी सेम काम करके हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई 2x + y = 6। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपने क्या करना है, उसके नीचे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो ये वाला जो पॉइंट की अगर बात करें, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया 2.0, और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आ गया 0.2। और ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है और वाई की वैल्यू भी क्या है, 2 आ गई। तो इट मीन्स ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास 2.2 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो जो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों लाइंस का यूनिक सोल्यूशन है। तो 2.2 इन दोनों लाइंस क्या 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 आ गया हमारे पास, सोल्यूशन आ गया। तो x = 2 और y = 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ एक और इक्वेशन कंसीडर करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन x - y + 1 = 0 और दूसरी लाइन गिवन है। एक तो हमने क्या करना है, ड्रा करनी है, दोनों का ग्राफ ड्रा करना है, और दूसरा हमने क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज लाइंस। इन दोनों लाइंस कौन सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, आल्सो दी एक्स एक्सिस। तो हमारे पास तीन लाइंस आ गई, एक ये वन फर्स्ट वन दिस इज, और दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि x = 0 की स्ट्रेट लाइन लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, तो वो क्या है, y = 0। तो ये वाली जो तीन इक्वेशन है, इन तीनों से जो ट्रेंगल बन रही है, हमने उस ट्रेंगल को ड्रा करना है, और उसके क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और क्या करना है, उसको ट्रेंगुलर रीजन को शेड करने के लिए भी बोला गया है। ना वन बाय वन, सबसे पहले तो एक वन बाय वन लाइन को प्लॉट करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, x - y + 1 = 0। एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, वाई की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। फिर वाई को 0 किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, तो ऐसे ही फिर सेकेंड लाइन का टेबल बनाएंगे, एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, फिर वाई को 0 करेंगे, जब वाई को 0 किया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो ऐसे करके हमने दोनों लाइन का टेबल बना लेना है, फिर वन बाय वन ग्राफ में प्लॉट करेंगे।
सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है 0.1 और -1.0, तो दोनों को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई। अब सेकेंड लाइन के लिए 0.6, दिस इज 0.6, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4.0, तो दिस इज 4.0। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे, सेकेंड लाइन आ गई। और थर्ड हमारे पास लाइन क्या है, एक तो हमें बोला गया था कि दोनों लाइंस को ड्रा करना है, तो ड्रा तो हमने कर दी। उसके बाद ट्रेंगल, अब ट्रेंगल के लिए तीन लाइन थी, 1, 2, दो तो हमने ड्रा कर दी, और तीसरी हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस। तो इन तीनों लाइंस को मिलाकर हमारे पास ट्रेंगल कौन सी बन रही है, दिस इज, ये हमारे पास ट्रेंगल है जो तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पे बन रही है। नाउ अब हमने क्या करना है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं। तो ग्राफिकल मेथड से ये वाला पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो। एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3। तो आप इसको करेक्ट कर लो, ये दिस इज रॉन्ग, ये पॉइंट 3.2 दिया है, ये पॉइंट है हमारे पास 2.3। और दूसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट जो वर्टेक्स है, तो ये हमारे पास -1.0, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0, और अगर इस पॉइंट की बात करें तो 4.0। तो दीज आर, पहला पॉइंट हमारे पास 2.3, पहला वर्टिसिस ये गलत है, 3.2, 2.3 आएगा। दूसरा वर्टेक्स आ गया -1.0, और तीसरा वर्टेक्स हमारे पास आ गया 4.0। तो हमने ट्रायंगल रीजन को क्या कर दिया, शेड कर दिया, और उसके क्या फाइंड कर ले, कर लिए वर्टिसेस फाइंड कर लिए। नाउ नेक्स्ट, तो ये तो था ग्राफिकल मेथड, तो कैसे ग्राफिकल मेथड से हमने एक गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, तो हमने उनके सोल्यूशन को डिस्कस करना है। तो अगर जैसा कि हमारे पास अगर बात करें, तो हमारे पास ऐसी दो इक्वेशन गिवन होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक लाइन का, एक इक्वेशन का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। और टू स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वो ऐसी भी हो सकती है, मीन्स इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। ये भी हो सकता है कि दो स्ट्रेट लाइंस आपके पास पैरेलल आ जाए, जैसे इस केस में हमारे पास, और ऐसा भी हो सकता है कि दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो कोइंसाइड कर जाएं। तो इट मींस जब भी हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इन टू वेरिएबल, तो हमारे पास इन तीनों में से ही कोई एक सिचुएशन होगी, या तो एक इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी, या फिर क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है तो इट मींस तो उनका हमेशा क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। जो भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे भी वो इंटरसेक्ट करती है, तो वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे दे रखा है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। तो जिन ये हमारे पास जो सोल्यूशन है, दोनों इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब अगर इसकी बात करें, तो अगर हमारे पास पैरेलल है तो उन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इस केस में अगर लाइंस पैरेलल है तो इट मींस उनका नो सोल्यूशन है। तो नो सोल्यूशन है तो उसको, उसके बाद हम उसको फाइंड भी नहीं करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास और क्या आ सकता है, कि अगर वो दोनों कोइंसाइड कर जाएं, तो अगर वो दोनों कोइंसाइड करती हैं तो उनका क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि, मीन्स हमें तो स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, हमें ग्राफ थोड़ा गिवन होगा, ग्राफ तो हमें गिवन नहीं होगा, हमें तो जस्ट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। तो हमने कैसे फाइंड करना है कि उसका वन सॉल्यूशन है, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो अगर वन सोल्यूशन की बात करें, अगर वन वन सोल्यूशन है तो वो भी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर वन सोल्यूशन है, इट मीन्स उसका, तो वो जो पेयर है हमारे पास गिवन इक्वेशन का, दैट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर इनफाइनाइटली सोल्यूशन है तो भी वो गिवन पेयर जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का, वो भी कंसिस्टेंट है। इट मींस इन दोनों केसेस में हमारे पास
मीन्स चाहे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो इन दैट केस जो गिवन पेयर ऑफ सिस्टम होगा दैट इज कंसिस्टेंट। तो अगर आपको कंसिस्टेंट गिवन है, इट मीन्स या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, या फिर उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर पैरेलल है, इट मीन्स नो सॉल्यूशन है, तो उस केस में अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उस पेयर का, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। मीन्स अगर आपको ये गिवन है, अगर आपको गिवन है कि इनकंसिस्टेंट है, इट मीन्स उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट गिवन है, तो फिर उसके यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब क्या होगा, कैसे पता चलेगा, तो अब हम वो प्रोसीजर करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा। इक्वेशंस को देख के, इक्वेशंस की शक्ल देख के हमें कैसे पता चलेगा कि जो पेयर है हमारे पास कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। नाउ हमें क्या गिवन होगा, हमेशा क्या गिवन होगा, पेयर गिवन होगा। तो जब पेयर गिवन है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, रेशियोज फाइंड करनी है। ए वन, जैसे ए वन हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए टू हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन। बी वन फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट, बी टू सेकेंड इक्वेशन में वाई टू वाई का कोएफिशिएंट। सी वन कॉन्स्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, सी टू कॉन्स्टेंट टर्म इन सेकेंड इक्वेशन। अगर तो हमारे पास ए वन ओवर ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन ओवर बी टू, सबसे पहले हमने रेशियो फाइंड करेंगे ए वन ओवर ए टू की, ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे बी वन ओवर बी टू, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे सी वन ओवर सी टू। अगर तो ये वाली रेशियो जो है आर वन में हम किसको बोल रहा हूँ, ए वन ओवर ए टू को, आर टू में बोल रहा हूँ बी वन ओवर बी टू को, और आर थ्री में डिनोट कर रहा हूँ सी वन ओवर सी टू को। अगर तो हमारे पास आर वन और आर टू इक्वल नहीं आ रहे, आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू, इट मीन्स वो ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका क्या होगा, जबराइकली तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मीन्स अगर आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू, देन वो इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आर वन इज इक्वल टू आर टू इज बट नॉट इक्वल टू आर थ्री, तो इट मीन्स वो पैरेलल लाइंस का पेयर है। तो पैरेलल लाइंस के केस में, जैसे मैंने पहले भी बताया, पैरेलल लाइंस में हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन है इट मीन्स इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली अगर हमारे पास आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास क्या है, कोइंसाइड कर रही है, मीन्स जो लाइंस हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, और उस केस में हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो कब होगी, जब आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू। पैरेलल लाइंस कब होगी, व्हेन आर वन इज इक्वल टू आर टू बट नॉट इक्वल टू आर थ्री, और ओवरलैप कब करेंगी, जब आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन है, और ओवरलैपिंग है तो इट मीन्स उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास कंडीशन। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, इक्वेशंस को देख के, ये तो हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कर लिया कि आपने ये रेशियो चेक करनी है, और ये रेशियोज ही डिसाइड करेगी, ये रेशियोज ही डिसाइड करेंगी कि गिवन पेयर का यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, या फिर हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर करेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। नाउ अब जैसे अगर इन दोनों को पहले सॉल्व करें, तो अगर सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई, और वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन। मीन्स पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये भी हम डिस्कस करते हैं जस्ट ए मिनट।
तो पहले इसको सॉल्व किया, तो जैसे मैंने पहले बताया सॉल्व कर तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इट मीन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ आ गया, जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -3, तो विच इज नेवर पॉसिबल। तो अगर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास ऐसी इक्वेशन आ रही है, ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो पैरेलल लाइंस हैं। अगर आपके पास जब दो लाइंस को सॉल्व करके हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, जैसे यहाँ पे अगर आपके पास आ जाए 3 = 3, 3, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगी, लाइन जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, a1x + b1y + c1 = 0। पहले तो हमने सॉल्व किया था, लेकिन अब विदाउट सॉल्विंग कैसे पता चलेगा, a2x + b2y जो भी पेयर है उसके साथ कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यू 1, b1 की 1, c1 की 3, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू आ गई, C2 की वैल्यू आ गई। अब इस केस में हमारे पास A1 ओवर A2 हमने फाइंड किया, 1 को 1 के साथ डिवाइड किया तो रेशियो हमारे पास क्या आ गई, 1, और B1 ओवर B2 किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, -1। क्लियरली बोथ आर नॉट इक्वल। अब क्योंकि दोनों रेशियो जो है इक्वल नहीं है, इट मीन्स तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इस केस में सेकेंड केस की अगर बात करें, तो सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, R1 = R2, सेम ये जो पेयर है इसको अगेन कंपेयर किया जनरल फॉर्म के साथ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड की, तो यहाँ पे हमारे पास R1 = R2 बट नॉट इक्वल टू R3। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है। और थर्ड केस में हमारे पास क्या आ रहा था, R1 = R2 = R3, तो इस केस में हमारे पास क्या होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो रेशियो से ही हमें पता चलेगा कि हमारे जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, मीन्स या यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये वाला हमें पेयर गिवन है, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्म के साथ। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, a1x + b1y + c1 = 0, और सेकंड हमारे पास क्या है, a2x + b2y + c2 = 0। अब इन दोनों को कंपेयर किया तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a1 की वैल्यू 5, ठीक है, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। तो सबसे पहले a1 ओवर a2 करेंगे, तो वो हमारे पास जब दोनों को डिवाइड किया तो 5/7, b1/b2 को करेंगे तो -4/6, दैट इज -2/3, और c1/c2 को करेंगे तो वो हमारे पास आ गया -8/9, 8/-9 मीन्स -8/9। तो अब अगर रेशियो का कंपैरिजन करें, तो रेशियो को कंपेयर करें, तो क्लियरली a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहां से थर्ड फोर्थ से हमारे पास क्लियर है a1/a2 = b1/b2, तो पहली सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और मतलब क्या होगा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, अब हमें ये तो पता चल गया कि गिवन पेयर का हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या होगा उसके लिए आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए चाहे आप ग्राफिकल मेथड लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, या फिर आप इलिमिनेशन लगाओ, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा वो फाइंड करने के लिए आपको प्रीवियस मेथड ही यूज करने पड़ेंगे। यहां से रेशियो से कंपेयर करके तो हम ये बता सकते हैं कि मीन्स उनकी शक्ल देख के, उनकी रेशियो से हम ये बता सकते हैं कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, और लाइन जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करती है। तो यहां से मैं क्लियर चल गया कि लाइन हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों को
प्रीवियस मेथड जो हमने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड किया है उससे सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9x+3y+12=0। दूसरी क्वेश्चन है 18x+6y+24=0। अगेन सबसे पहले इसको गिवन जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे, a1 a2 b1 b2। ठीक है, a1 की वैल्यू जैसे यहां से 9 आ गई, b1 की वैल्यू 3 आ गई, c1 की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, a2 की वैल्यू 18, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और c2 की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। अब रेशियो फाइंड करेंगे 1/1, a1/a2 9/18 दैट इज 1/2। नाउ b1/b2 की बात करें तो b1/b2 दैट इज 3/6, अगेन दैट इज इक्वल टू 1/2, और c1/c2 की बात करें दैट इज 12/24, तो वो भी हमारे पास क्या आ गया 1/2। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, जो रेशियोज है अगर इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो गिवन पेयर है उसका हमारे पास जो गिवन स्ट्रेट लाइंस हैं उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मीन जो लाइंस है ग्राफिकली को इंसाइड कर रही है। ओके ठीक है, तो लाइंस आर को इंसिडेंट। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, तो यहां पे अगेन हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन है तो कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट के साथ, तो वहां से हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आ गई 6, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 10, a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड की, a1/a2 किया, b1 फाइंड किया। ठीक है, a1/a2 हमारे पास 3 आ गया, b1/b2 3 आ गया और c1/c2 हमारे पास क्या आ गया 10/9। तो क्लियरली अब यहां पे हमारे पास इन दो 3 4 5 तो इक्वेशन को कंपेयर करें तो a1/a2 = b1/c2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इट मीन जो हमारे पास जो गिवन स्टेट लाइंस है वो पैरेलल स्टेट लाइंस है ग्राफिकली, और जो सिस्टम में हमारे पास क्या है इनकंसिस्टेंट। इट मीन जो सोल्यूशन आएगा इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इट मीन जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है हमारे पास क्या है एक दूसरे को पैरेलल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x+2y = 5, 2x-3y = 7। तो अगेन उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5 और a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू हमारे पास -3 और c2 की वैल्यू क्या आ गई -5। अब a1/a2 किया तो 3/2, b1/b2 किया तो -2/3। तो क्लियरली यहीं से पता चल रहा है कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3, मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब ये रेशियो ही r1 इज नॉट इक्वल टू r2 है, तो फ्रॉम द फर्स्ट केस इट इज क्लियर दैट कि ये जो स्ट्रेट लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और गिवन पेयर जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज कंसिस्टेंट। तो मीन्स इस जो इक्वेशन का हमारे पास क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट 2x-3y = 8, 4x+y = 9। कंपेयर किया a1 जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड की, a1/a2 1/2, b1/b2 वो भी 1/2 और c1/c2 की बात करें तो वो हमारे पास आ गया 8/9। तो क्लियरली a1 r1 = r2 बट नॉट इक्वल टू r3। r1 r2 इक्वल है लेकिन r3 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या जो गिवन लाइंस हैं दैट आर पैरेलल लाइंस। इट मीन्स जो गिवन इक्वेशंस हैं उनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इट मीन जो गिवन लीनियर जो लीनियर इक्वेशन है दैट आर इनकंसिस्टेंट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, नाउ ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमें a1 a2 की वैल्यू गिवन है तो a1 की वैल्यू 3/2, b1 की वैल्यू 5/3, c1 की वैल्यू -7,
सेकेंड लाइन को सेकेंड लाइन के साथ कंपेयर किया तो वो हमारे पास आ गया ए टू की वैल्यू 9, बी टू की वैल्यू -10 और सी टू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -14। नाउ ए वन ओवर ए टू, ए टू की सिंपल अगर सिंपलीफाई करें ए वन ओवर ए टू दैट इज 1/6, बी वन ओवर बी टू तो वो हमारे पास क्या आ गया -1/6 और सी वन ओवर सी टू हमारे पास आ गया 1/2। तो क्लियरली फ्रॉम दीज टू वी कैन से दैट ए वन ओवर ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन ओवर बी टू। तो इट मीन्स जो हमारे पास लाइन है दैट आर इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सोल्यूशन होगा। वो सोल्यूशन क्या होगा उसके लिए आपको प्रीवियस मेथड यूज करने पड़ेंगे। उसको सॉल्व करो इधर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन और बाय ग्राफिकल मेथड। नाउ वन मोर क्वेश्चन, 5x -3y इज इक्वल टू 11, -10x +6y इज इक्वल टू -22। फर्स्ट को फर्स्ट लाइन के साथ कंपेयर किया ए वन बी वन सी वन की वैल्यू आ गई, सेकेंड को सेकेंड के साथ कंपेयर किया ए टू बी टू सी टू की वैल्यू आ गई ए वन ओवर ए टू -1/2, बी वन ओवर बी टू वो भी हमारे पास क्या आ गया -1/2, और सी वन ओवर सी टू की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या आ गया -11/22 की बात करें दैट इज -1/2। तो फ्रॉम थ्री फोर एंड फाइव वी कैन से दैट ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू, मीन आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री। तो पेयर हमारे पास क्या है, जो पेयर है जो लाइंस है वो कोइंसाइड कर रही है और जो गिवन पेयर हमारे पास दैट इज कंसिस्टेंट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा ठीक है। अगेन वहां से हमने कंपेयर किया ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू फाइंड की, तो यहां से आर वन आर टू की वैल्यू फाइंड की ठीक है। क्लियरली अगेन हमारे पास आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री, तो वंस अगेन हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। वन मोर क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी हमें दो लाइंस गिवन है, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन ओवर सी टू, तो वह हमारे पास क्या आ जाएगी पैरेलल लाइन हो जाएगी ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगेन डू योर सेल्फ, ए वन ओवर ए टू बी वन ओवर बी टू सी वन ओवर सी टू, आप स्टेटमेंट नोट कर लो उससे ट्राई करो। तो क्लियरली ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन ओवर सी टू। तो एक और क्वेश्चन आपके पास है ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास ए वन ओवर ए टू की वैल्यू 1/2, बी वन ओवर बी टू की वैल्यू -1/2। नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि जो गिवन पेयर है उसका यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू। तो सॉल्यूशन क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ किसी भी एक मेथड के साथ सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन और ग्राफिकल। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो लाइन प्लॉट की 1/1 ठीक है, सेकेंड लाइन प्लॉट की तो उसको ग्राफ पे ड्रॉ किया, पहली लाइन प्लॉट की 0,6 3,0 को ज्वाइन किया तो हमारे पास पहली स्ट्रेट लाइन आ गई, दूसरी को ज्वाइन किया हमारे पास सेकेंड स्ट्रेट लाइन आई, और ये दोनों लाइन जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 2,2 पे। तो 2,2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन इसका जो सोल्यूशन है दैट इज एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2 जो है दैट इज सोल्यूशन ऑफ दी गिवन डिफरेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये हमने आज ग्राफिकल मेथड किया और कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किया। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड एंड आल्सो वी विल डिस्कस कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन।
सबसे पहले तो हम ग्राफिकल मेथड के साथ स्टार्टिंग करेंगे। तो जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, एलिमिनेशन मेथड किया था, नाउ वी विल डिस्कस ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जब आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्रॉपर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, विद फिक्स स्केल ओरिजिन। आप कोई भी एक स्केल फिक्स कर लो, जैसे यहाँ पे हमने कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसिडर कर लिया, ठीक है, हमने एक स्केल डिसाइड कर लिया, तो जो भी ग्राफ पेपर पे जब आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करोगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट डिस्टेंस कंसिडर करेंगे, ठीक है, दिस इज 1 यूनिट। तो फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर के बाद ये हमारे पास 2 आ गया, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन। और ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके वाई की वैल्यू 0 होगी। और ये हमारी वाई एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस है उसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी 0। और वाई एक्सिस को हम, जैसे अगर हम बात करें वाई एक्सिस है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स उसकी इक्वेशन की अगर बात करें तो वाई एक्सिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, उसकी इक्वेशन की बात करें। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 0 जो लाइन है, तो वाई इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सिस को। और अगर आपके पास ये आ जाए कि y इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करती है, तो y इज इक्वल टू 1 भी एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे y इज इक्वल टू 0 हमारे पास x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1 भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, विच इज पैरेलल टू, जो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, पैरेलल होगी x एक्सिस के, और 1 यूनिट ऊपर। और सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू -1 भी की बात करें तो वो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी। y इज इक्वल टू -1 की बात करें, दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिस। तो जो जो पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली y एक्सिस की अगर बात करें तो x इज इक्वल टू 0 को इसकी इक्वेशन की अगर बात करें, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 1 की बात करें तो जैसे x इज इक्वल टू 0 जो है, y एक्सिस है, तो x इज इक्वल टू 1 कैसी लाइन होगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, 1 यूनिट राइट हैंड साइड पे, ठीक है। और सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू -1 की बात करें तो वो -1,0 से पास करेगी, एंड इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इट मीन्स अगर हम बात करें वाई इज इक्वल टू सी, तो जैसे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, और जनरल फॉर्म की बात करें y इज इक्वल टू c, इट इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। और x इज इक्वल टू d की बात करें, इट इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो एक जनरल ये आपके पास MCQ आ जाता है कि y इज इक्वल टू c और x इज इक्वल टू d का ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो इनका, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन की पॉइंट की बात करें तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू कॉमा वाई की वैल्यू, तो डी कॉमा सी। नाउ ठीक है, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट सबसे पहले जब ग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्व करना है तो पहले प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, एक स्केल डिसाइड करेंगे। नाउ स्ट्रेट लाइन जो अगर हम बात करें ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई प्लस टी इज इक्वल टू 0 की बात करें, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि अब हमने ऐसी दो इक्वेशन की बात करनी है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएंगी, दो स्ट्रेट लाइन आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये आ गई और दूसरी कोई और स्ट्रेट लाइन आ गई। अगर तो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे रीडिंग करनी है। जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो
तो इसको नीचे देखिए, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है, और इसके पैरेलल वाई एक्सिस पे अगर बात करें तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 4 आ रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दैट इज -3,4। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, -3,4 को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, तो पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस ग्राफ तो आपने लाइन का 9th में भी प्लॉट कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक लाइन कंसिडर करो, सबसे पहले उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसकी लाइन को प्लॉट करेंगे। लाइन प्लॉट करने से पहले हम टेबल फॉर्म करेंगे, कौन कौन से पॉइंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को अगर आपने ड्रॉ करना है ग्राफ पे, तो हमें क्या चाहिए, दो पॉइंट्स चाहिए। किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, तो हमें क्या चाहिए, टू पॉइंट्स चाहिए। वो टू पॉइंट कहाँ से फाइंड करने हैं, स्ट्रेट लाइन से फाइंड करने हैं। नाउ एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्ट्रेट लाइन में, तो वाई की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू 0 कंसिडर कर लेंगे। तो अब जब, तो सबसे पहले जब एक्स की वैल्यू 0 की, तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 आ गई यहां से, इस इक्वेशन से, तो पॉइंट हमारे पास हो गया 0,3। अब उसके बाद क्या करेंगे, वाई की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे, तो जब वाई की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, तो ये तो हमारे पास 0 आ गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। तो पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, 6,0। तो ऐसे करके हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। तो जब भी आपने स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना है ग्राफ पेपर पे, तो आपने दो पॉइंट्स, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। और नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x + y इज इक्वल टू 6। नाउ अगेन इसमें भी वही काम करना है, एक्स वाई दो पॉइंट चाहिए, सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर उसके बाद वाई की वैल्यू 0 कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन से क्या आ जाएगी, 3। तो ऐसे करके हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आ गया 0,6 और एक पॉइंट आ गया 3,0। नाउ वन बाय वन इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले अगर इस लाइन की बात करें, अगर फर्स्ट लाइन की बात करें, तो पहले पॉइंट हमारे पास क्या आया, 0,3। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, ये वाला हमारे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, 6,0। अब दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दोनों को ज्वाइन करने के बाद पहला पॉइंट 0,3, उसके बाद 6,0, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये स्ट्रेट लाइन किन दो पॉइंट को ज्वाइन करके आई है, 0,3 और 6,0 को। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये किसकी स्ट्रेट लाइन है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 6 की। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास 0,6 है, पहला पॉइंट 0,6 ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस पे, दूसरा पॉइंट 3,0 है, तो 3,0 दिस इज 3,0। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई। ना ये वाली किसकी इक्वेशन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें, तो ये किसकी इक्वेशन है, 2x + y इज इक्वल टू 6 की। तो वो आपने यहाँ पे लिख भी लेना है, जैसे यहां पे हमने लिख लिया 2x + y इज इक्वल टू 6। ओके, तो आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले पहली इक्वेशन का टेबल बनाना है, उसके बाद जो दोनों पॉइंट आए, उन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करके ज्वाइन करना है। पहली स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई x + 2y इज इक्वल टू 6, दूसरी लाइन में भी सेम काम करके हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई 2x + y इज इक्वल टू 6। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपने क्या करना है, उसके नीचे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो ये वाला जो पॉइंट की अगर बात करें, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया 2,0, और ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आ गया 0,2, और ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है और वाई की वैल्यू भी क्या है, 2 आ गई। तो इट मीन्स ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास, 2,2 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो जो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन है। तो 2,2 इन दोनों लाइंस के क्या क्या आ गया, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया।
तो एक्स इज इक्वल टू टू और वाई इज इक्वल टू टू इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ एक और इक्वेशन कंसिडर करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और दूसरी लाइन गिवन है। एक तो हमने क्या करना है, ड्रा करनी है, दोनों का ग्राफ ड्रा करना है, और दूसरा हमने क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज लाइंस इन दोनों लाइंस। दोनों लाइंस कौन सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, आल्सो दी एक्स एक्सिस। तो हमारे पास तीन लाइंस आ गई, एक ये वन फर्स्ट वन दिस इज, और दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्स इज इक्वल टू जीरो की स्ट्रेट लाइन लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, तो वो क्या है, वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाली जो तीन इक्वेशन है, इन तीनों से जो ट्रेंगल बन रही है, हमने उस ट्रेंगल को ड्रा करना है और उसके क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और क्या करना है, उसको ट्रेंगुलर रीजन को शेड करने के लिए भी बोला गया है। ना वन बाय वन, सबसे पहले तो एक वन बाय वन लाइन को प्लॉट करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट की, वाई की वैल्यू हमारे पास वन आ जाएगी, फिर वाई को जीरो किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। ठीक है, तो ऐसे ही फिर सेकेंड लाइन का टेबल बनाएंगे, एक्स की वैल्यू जीरो करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास सिक्स आ गई। ठीक है, फिर वाई को जीरो करेंगे, जब वाई को जीरो किया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फोर आ गई। तो ऐसे करके हमने दोनों लाइंस का टेबल बना लेना है, फिर वन बाय वन ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है जीरो कॉमा वन और माइनस वन कॉमा जीरो, तो दोनों को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई। अब सेकेंड लाइन के लिए जीरो कॉमा सिक्स, दिस इज जीरो कॉमा सिक्स, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास फोर कॉमा जीरो, तो दिस इज फोर कॉमा जीरो। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे, सेकेंड लाइन आ गई, और थर्ड हमारे पास लाइन क्या है, एक तो हमें बोला गया था कि दोनों लाइंस को ड्रा करना है, तो ड्रा तो हमने कर दी। उसके बाद ट्रेंगल, अब ट्रेंगल के लिए तीन लाइन थी, वन टू, दो तो हमने ड्रा कर दी, और तीसरी हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस। तो इन तीनों लाइंस को मिलाकर हमारे पास ट्रेंगल कौन सी बन रही है, दिस इज, तो ये हमारे पास ट्रेंगल है जो तीनों लाइंस को, तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन पे बन रही है। नाउ अब हमने क्या करना है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं। तो ग्राफिकल मेथड से ये वाला पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो। एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू टू है और वाई की वैल्यू थ्री। तो आप इसको करेक्ट कर लो, ये दिस इज रॉन्ग, ये पॉइंट थ्री कॉमा टू दिया, ये पॉइंट है हमारे पास टू कॉमा थ्री। और दूसरा पॉइंट है ये वाला पॉइंट जो वर्टेक्स है, तो ये हमारे पास माइनस वन कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस वन और वाई की वैल्यू जीरो, और अगर इस पॉइंट की बात करें तो फोर कॉमा जीरो। तो दीज आर, पहला पॉइंट हमारे पास टू कॉमा थ्री, पहला वर्टिसिस ये गलत है, थ्री कॉमा टू, टू कॉमा थ्री आएगा। दूसरा वर्टेक्स आ गया माइनस वन कॉमा जीरो, और तीसरा वर्टेक्स हमारे पास आ गया फोर कॉमा जीरो। तो हमने ट्रायंगल रीजन को क्या कर दिया, शेड कर दिया, और उसके क्या फाइंड कर लिए वर्टिसिस फाइंड कर लिए। नाउ नेक्स्ट, तो ये तो था ग्राफिकल मेथड, तो कैसे ग्राफिकल मेथड से हमने एक गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, तो हमने उनके उनके सोल्यूशन को डिस्कस करना है। तो अगर जैसा कि हमारे पास अगर बात करें, तो हमारे पास ऐसी दो इक्वेशन गिवन होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक लाइन का, एक इक्वेशन का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। और टू स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वो ऐसी भी हो सकती है, मीन्स इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। ये भी हो सकता है कि दो स्ट्रेट लाइंस आपके पास पैरेलल आ जाए, जैसे इस केस में हमारे पास, और ऐसा भी हो सकता है कि दो स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो कोइंसाइड कर जाएं। तो इट मीन जब भी हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे इन टू वेरिएबल, तो हमारे पास इन तीनों में से ही कोई एक सिचुएशन होगी, या तो एक इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या फिर क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी।
ठीक है, इंटरसेक्ट करती है तो इट मीन्स तो उनका हमेशा क्या होगा, वन सोल्यूशन होगा। जो भी पॉइंट जिस पॉइंट पे भी वो इंटरसेक्ट करती है तो वही उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे दे रखा है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। तो जिन ये हमारे पास जो सोल्यूशन है दोनों इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब अगर इसकी बात करें तो अगर हमारे पास पैरेलल है तो उन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इस केस में अगर लाइंस पैरेलल है तो इट मीन्स उनका नो सोल्यूशन है। तो नो सोल्यूशन है तो उसको उसके बाद हम उसको फाइंड भी नहीं करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास और क्या आ सकता है कि अगर वो दोनों कोइंसाइड कर जाएं, तो अगर वो दोनों कोइंसाइड करती हैं तो उनका क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मीन्स हमें तो स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, हमें ग्राफ थोड़ा गिवन होगा, ग्राफ तो हमें गिवन नहीं होगा, हमें तो जस्ट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। तो हमने कैसे फाइंड करना है कि उसका वन सोल्यूशन है मीन्स यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है, तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो अगर वन सोल्यूशन की बात करें, अगर वन सोल्यूशन है तो वो भी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर वन सोल्यूशन है इट मीन्स उसका तो वो जो पेयर है हमारे पास गिवन इक्वेशन का, दैट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ठीक है। अगर इनफाइनाइटली सोल्यूशन है तो भी वो गिवन पेयर जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का वो भी कंसिस्टेंट है। इट मीन्स इन दोनों केसेस में हमारे पास मीन्स चाहे हमारे पास यूनिक सोल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो इन दैट केस जो गिवन पेयर ऑफ सिस्टम होगा दैट इज कंसिस्टेंट। तो अगर आपको कंसिस्टेंट गिवन है इट मीन्स या तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा, या फिर उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। लेकिन अगर पैरेलल है इट मीन्स नो सोल्यूशन है, तो उस केस में अगर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उस पेयर का तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। मीन्स अगर आपको ये गिवन है, अगर आपको गिवन है कि इनकंसिस्टेंट है इट मीन्स उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट गिवन है तो फिर उसके यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है और उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। अब क्या होगा, कैसे पता चलेगा, तो अब हम वो प्रोसीजर करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, इक्वेशंस को देख के, इक्वेशंस की शक्ल देख के हमें कैसे पता चलेगा कि जो पेयर है हमारे पास कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मीन्स यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। नाउ हमें क्या गिवन होगा, हमेशा क्या गिवन होगा, पेयर गिवन होगा। तो जब पेयर गिवन है ठीक है, तो हमने क्या करना है, रेशियोज फाइंड करनी है। A1, जैसे A1 हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, A2 हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन, B1 फर्स्ट इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट, B2 सेकेंड इक्वेशन में Y2 वाई का कोएफिशिएंट, C1 कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, C2 कांस्टेंट टर्म इन सेकेंड इक्वेशन। अगर तो हमारे पास A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे A1 ओवर A2 की, ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे B1 ओवर B2, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे C1 ओवर C2। अगर तो ये वाली रेशियो जो है R1 में किसको बोल रहा हूँ, A1 ओवर A2 को, R2 में बोल रहा हूँ B1 ओवर B2 को, और R3 में डिनोट कर रहा हूँ C1 ओवर C2 को। अगर तो हमारे पास R1 और R2 इक्वल नहीं आ रहे, R1 इज नॉट इक्वल टू R2, इट मीन्स वो ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका क्या होगा, जबराइकली तो उसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। मीन्स अगर R1 इज नॉट इक्वल टू R2 देन वो इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर है और उसका यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन अगर R1 इज इक्वल टू R2 इज बट नॉट इक्वल टू R3, तो इट मीन्स वो पैरेलल लाइंस का पेयर है। तो पैरेलल लाइंस के केस में जैसे मैंने पहले भी बताया, पैरेलल लाइंस में हमारे पास क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, और नो सोल्यूशन है इट मीन्स इनकंसिस्टेंट।
सिमिलरली अगर हमारे पास आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास क्या है, कोइंसाइड कर रही है, मीन्स जो लाइंस हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, और उस केस में हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो कब होगी, जब आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू, पैरेलल लाइंस कब होगी, व्हेन आर वन इज इक्वल टू आर टू बट नॉट इक्वल टू आर थ्री, और ओवरलैप कब करेंगी, जब आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सोल्यूशन है, पैरेलल लाइन है तो नो सोल्यूशन है, और ओवरलैपिंग है तो इट मीन उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास कंडीशन। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, इक्वेशन को देख के, ये तो हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कर लिया कि आपने ये रेशियो चेक करनी है, और ये रेशियोज ही डिसाइड करेगी, ये रेशियोज ही डिसाइड करेंगी कि गिवन पेयर का यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, या फिर हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर करेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। नाउ अब जैसे अगर इन दोनों को पहले सॉल्व करें, तो अगर सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई, और वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन। मीन्स पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये भी हम डिस्कस करते हैं जस्ट ए मिनट। तो पहले इसको सॉल्व किया, तो जैसे मैंने पहले बताया सॉल्व कर तो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें हमारे पास सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ आ गया, जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे जीरो आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस थ्री, तो विच इज नेवर पॉसिबल। तो अगर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास ऐसी इक्वेशन आ रही है, ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो पैरेलल लाइंस हैं। अगर आपके पास जब दो लाइंस को सॉल्व करके हमारे पास दो लाइंस को सॉल्व करके हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, जैसे यहाँ पे अगर आपके पास आ जाए थ्री इज इक्वल टू थ्री थ्री, तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगी, लाइन जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। पहले तो हमने सॉल्व किया था, लेकिन अब विदाउट सॉल्विंग कैसे पता चलेगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई जो भी पेयर है उसके साथ कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए वन की वैल्यू वन, बी वन की वन, सी वन की थ्री, ए टू की वैल्यू, बी टू की वैल्यू आ गई, सी टू की वैल्यू आ गई। अब इस केस में हमारे पास ए वन ओवर ए टू हमने फाइंड किया, वन को वन के साथ डिवाइड किया तो रेशियो हमारे पास क्या आ गई, वन, और बी वन ओवर बी टू किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन। क्लियरली बोथ आर नॉट इक्वल। अब क्योंकि दोनों रेशियो जो है इक्वल नहीं है, इट मीन्स तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इस केस में, सेकंड केस की अगर बात करें, तो सेकंड केस में हमारे पास क्या है, आर वन इज इक्वल टू आर टू, सेम ये जो पेयर है इसको अगेन कंपेयर किया जनरल फॉर्म के साथ, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू फाइंड की, तो यहाँ पे हमारे पास आर वन इज इक्वल टू आर टू बट नॉट इक्वल टू आर थ्री, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन है। और थर्ड केस में हमारे पास क्या आ रहा था, आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री, तो इस केस में हमारे पास क्या होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो रेशियो से ही हमें पता चलेगा कि हमारे जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, मीन्स या यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये वाला हमें पेयर गिवन है, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्म के साथ। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और सेकंड हमारे पास क्या है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को कंपेयर किया तो ए वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए वन की वैल्यू फाइव, ठीक है, बी वन की वैल्यू माइनस फोर, सी वन की वैल्यू हमारे पास एट आ गई,
A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। तो सबसे पहले A1 ओवर A2 करेंगे तो वो हमारे पास जब दोनों को डिवाइड किया तो 5 ओवर 7, B1 ओवर B2 को करेंगे तो -4 ओवर 6 दैट इज -2/3, और C1 ओवर C2 को करेंगे तो वो हमारे पास आ गया -8 ओवर 9। 8 ओवर -9 मीन्स -8 ओवर 9। तो अब अगर रेशियो का कंपैरिजन करें तो रेशियो को कंपेयर करें तो क्लियरली A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। तो यहां से थर्ड फोर्थ से हमारे पास क्लियर है कि A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, तो पहली सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और मतलब क्या होगा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, अब हमें ये तो पता चल गया, अब हमें ये तो पता चल गया कि गिवन पेयर का हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या होगा उसके लिए आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए चाहे आप ग्राफिकल मेथड लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, या फिर आप इलिमिनेशन लगाओ, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा वो फाइंड करने के लिए आपको प्रीवियस मेथड ही यूज करने पड़ेंगे। यहां से रेशियो से कंपेयर करके तो हम ये बता सकते हैं कि मीन्स उनकी शक्ल देख के, उनकी रेशियो से हम ये बता सकते हैं कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं और लाइन जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करती है। तो यहां से मैं क्लियर चल गया कि लाइंस हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों को प्रीवियस मेथड जो हमने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड किया है उससे सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9x+3y+12=0। दूसरी क्वेश्चन है 18x+6y+24=0। अगेन सबसे पहले इसको गिवन जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे, A1 A2 B1 B2। ठीक है, A1 की वैल्यू जैसे यहां से 9 आ गई, B1 की वैल्यू 3 आ गई, C1 की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, A2 की वैल्यू 18। सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे, A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और C2 की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। अब रेशियो फाइंड करेंगे 1/1, A1 ओवर A2 9 ओवर 18 दैट इज 1/2। नाउ B1 ओवर B2 की बात करें तो B1 ओवर B2 दैट इज 3 ओवर 6, अगेन दैट इज इक्वल टू 1/2। और C1 ओवर C2 की बात करें दैट इज 12 ओवर 24, तो वो भी हमारे पास क्या आ गया, 1/2। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, जो रेशियोज है अगर इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो गिवन पेयर है उसका हमारे पास जो गिवन स्ट्रेट लाइंस हैं उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मीन जो लाइंस हैं ग्राफिकली कोइंसाइड कर रही है। ओके ठीक है, तो लाइंस आर कोइंसिडेंस। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, तो यहां पे अगेन हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन है तो कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट के साथ। तो वहां से हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आ गई, 6, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 10, A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड की, A1 ओवर A2 किया, मींस R1 फाइंड किया। ठीक है, R1 A1 ओवर A2 हमारे पास 3 आ गया, B1 ओवर B2 3 आ गया और C1 ओवर C2 हमारे पास क्या आ गया, 10 ओवर 9। तो क्लियरली अब यहां पे हमारे पास इन दो 3 4 5 तो इक्वेशन को कंपेयर करें तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर C2 बट नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। तो इट मीन्स जो हमारे पास जो गिवन स्ट्रेट लाइंस है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है ग्राफिकली, और जो सिस्टम में हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंट। इट मीन्स जो सॉल्यूशन आएगा इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है हमारे पास क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x+2y=5, 2x-3y=7। तो अगेन उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -5 और A2 की वैल्यू 2,
बी टू की वैल्यू हमारे पास -3 और सी टू की वैल्यू क्या आ गई -5। अब ए वन ओवर ए टू किया तो 3/2, बी वन ओवर बी टू किया तो -2/3। तो क्लियरली यहीं से पता चल रहा है कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3, मीन्स ए वन ओवर ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन ओवर बी टू। तो अब ये रेशियो ही आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू है, तो फ्रॉम द फर्स्ट केस इट इज क्लियर दैट के ये जो स्ट्रेट लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और गिवन पेयर जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज कंसिस्टेंट। तो मीन्स इस जो इक्वेशन का हमारे पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट, 2x-3y इज इक्वल टू 8, 4x+y इज इक्वल टू 9। कंपेयर किया ए वन जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयर करने के बाद ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू फाइंड की। ए वन ओवर ए टू 1/2, बी वन ओवर बी टू वो भी 1/2, और सी वन ओवर सी टू की बात करें तो वो हमारे पास आ गया 8/9। तो क्लियरली ए वन आर वन इज इक्वल टू आर टू बट नॉट इक्वल टू आर थ्री। आर वन आर टू इक्वल है लेकिन आर थ्री के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, जो गिवन लाइंस हैं दैट आर पैरेलल लाइंस, इट मीन्स जो गिवन इक्वेशंस हैं उनका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो इट मीन्स जो गिवन लीनियर जो लीनियर इक्वेशंस हैं दैट आर इनकंसिस्टेंट। नाउ वन मोर क्वेश्चन। नाउ ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमें ए वन ए टू की वैल्यू गिवन है, तो ए वन की वैल्यू 3/2, बी वन की वैल्यू 5/3, सी वन की वैल्यू -7। सेकेंड लाइन को सेकेंड लाइन के साथ कंपेयर किया तो वो हमारे पास आ गया ए टू की वैल्यू 9, बी टू की वैल्यू -10 और सी टू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -14। नाउ ए वन ओवर ए टू, ए टू की सिंपल अगर सिंप्लीफाई करें ए वन ओवर ए टू दैट इज 1/6, बी वन ओवर बी टू तो वो हमारे पास क्या आ गया -1/6, और सी वन ओवर सी टू हमारे पास आ गया 1/2। तो क्लियरली फ्रॉम दीज टू वी कैन से दैट ए वन ओवर ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन ओवर बी टू। तो इट मीन्स जो हमारे पास लाइन्स हैं दैट आर इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सोल्यूशन होगा। वो सोल्यूशन क्या होगा उसके लिए आपको प्रीवियस मेथड यूज करने पड़ेंगे, उसको सॉल्व करो इधर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन और बाय ग्राफिकल मेथड। नाउ वन मोर क्वेश्चन, 5x-3y इज इक्वल टू 11, -10x+6y इज इक्वल टू -22। फर्स्ट को फर्स्ट लाइन के साथ कंपेयर किया ए वन बी वन सी वन की वैल्यू आ गई, सेकेंड को सेकेंड के साथ कंपेयर किया ए टू बी टू सी टू की वैल्यू आ गई ए वन ओवर ए टू -1/2, बी वन ओवर बी टू वो भी हमारे पास क्या आ गया -1/2, और सी वन ओवर सी टू की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या आ गया -11/22 की बात करें दैट इज -1/2। तो फ्रॉम 3, 4 एंड 5 वी कैन से दैट ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू, मीन आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री। तो पेयर हमारे पास क्या है, जो पेयर है जो लाइंस है वो कोइंसाइड कर रही है और जो गिवन पेयर हमारे पास दैट इज कंसिस्टेंट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगेन वहां से हमने कंपेयर किया ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू फाइंड की, तो यहां से आर वन आर टू की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। क्लियरली अगेन हमारे पास आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री, तो वंस अगेन हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए। वन मोर क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी हमें दो लाइंस गिवन है, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन ओवर सी टू, तो वह हमारे पास क्या आ जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगेन डू योर सेल्फ, ए वन ओवर ए टू बी वन ओवर बी टू सी वन ओवर सी टू, आप स्टेटमेंट नोट कर लो उससे ट्राई करो। तो क्लियरली ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन ओवर सी टू।
तो एक और क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास ए वन ओवर ए टू की वैल्यू 1/2, बी वन ओवर बी टू की वैल्यू -1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x+2y इज इक्वल टू 5, 2x-3y इज इक्वल टू 7। तो अगेन उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ए वन बी ए वन की वैल्यू 3, बी वन की वैल्यू 2, सी वन की वैल्यू -5 और ए टू की वैल्यू 2, बी टू की वैल्यू हमारे पास -3 और सी टू की वैल्यू क्या आ गई -5। नाउ ए वन ओवर ए टू किया तो 3/2, बी वन ओवर बी टू किया तो -2/3। तो क्लियरली यहीं से पता चल रहा है कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3, मीन्स ए वन ओवर ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन ओवर बी टू। तो अब ये रेशियो ही आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू है, तो फ्रॉम द फर्स्ट केस इट इज क्लियर दैट के ये जो स्ट्रेट लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और गिवन पेयर जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज कंसिस्टेंट। तो मीन्स इस जो इक्वेशन का हमारे पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट, 2x-3y इज इक्वल टू 8, 4x+y इज इक्वल टू 9। कंपेयर किया ए वन जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयर करने के बाद ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू फाइंड की। ए वन ओवर ए टू 1/2, बी वन ओवर बी टू वो भी 1/2 और सी वन ओवर सी टू की बात करें तो वो हमारे पास आ गया 8/9। तो क्लियरली ए वन आर वन इज इक्वल टू आर टू बट नॉट इक्वल टू आर थ्री। आर वन आर टू इक्वल है लेकिन आर थ्री के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, जो गिवन लाइंस हैं दैट आर पैरेलल लाइंस, इट मीन्स जो गिवन इक्वेशंस हैं उनका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो इट मीन्स जो गिवन लीनियर जो लीनियर इक्वेशंस हैं दैट आर इनकंसिस्टेंट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, नाउ ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमें ए वन ए टू की वैल्यू गिवन है, तो ए वन की वैल्यू 3/2, बी वन की वैल्यू 5/3, सी वन की वैल्यू -7। सेकेंड लाइन को सेकेंड लाइन के साथ कंपेयर किया तो वो हमारे पास आ गया ए टू की वैल्यू 9, बी टू की वैल्यू -10 और सी टू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -14। नाउ ए वन ओवर ए टू, ए टू की सिंपल अगर सिंप्लीफाई करें ए वन ओवर ए टू दैट इज 1/6, बी वन ओवर बी टू तो वो हमारे पास क्या आ गया -1/6 और सी वन ओवर सी टू हमारे पास आ गया 1/2। तो क्लियरली फ्रॉम दीज टू वी कैन से दैट ए वन ओवर ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन ओवर बी टू। तो इट मीन्स जो हमारे पास लाइंस हैं दैट आर इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सोल्यूशन होगा। वो सोल्यूशन क्या होगा उसके लिए आपको प्रीवियस मेथड यूज करने पड़ेंगे, उसको सॉल्व करो इधर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन और बाय ग्राफिकल मेथड। नाउ वन मोर क्वेश्चन, 5x-3y इज इक्वल टू 11, -10x+6y इज इक्वल टू -22। फर्स्ट को फर्स्ट लाइन के साथ कंपेयर किया ए वन बी वन सी वन की वैल्यू आ गई, सेकेंड को सेकेंड के साथ कंपेयर किया ए टू बी टू सी टू की वैल्यू आ गई ए वन ओवर ए टू -1/2, बी वन ओवर बी टू वो भी हमारे पास क्या आ गया -1/2 और सी वन ओवर सी टू की बात करें तो वो भी हमारे पास क्या आ गया -11/22 की बात करें दैट इज -1/2। तो फ्रॉम 3, 4 एंड 5 वी कैन से दैट ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इज इक्वल टू सी वन ओवर सी टू, मीन आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री। तो पेयर हमारे पास क्या है, जो पेयर है जो लाइंस है वो कोइंसाइड कर रही है और जो गिवन पेयर हमारे पास दैट इज कंसिस्टेंट। नाउ वन मोर क्वेश्चन, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगेन वहां से हमने कंपेयर किया ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू फाइंड की, तो यहां से आर वन आर टू की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। क्लियरली अगेन हमारे पास आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री। तो वंस अगेन हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। वन मोर क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी हमें दो लाइंस गिवन है, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास
ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन ओवर सी टू, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगेन डू योर सेल्फ, ए वन ओवर ए टू बी वन ओवर बी टू सी वन ओवर सी टू, आप स्टेटमेंट नोट कर लो, उससे ट्राई करो। तो क्लियरली ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन ओवर सी टू। तो एक और क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। तो यहां पे हमारे पास ए वन ओवर ए टू की वैल्यू 1/2, बी वन ओवर बी टू की वैल्यू -1/2, सी वन ओवर सी टू की वैल्यू 3/2। और क्लियरली ए वन ओवर ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन ओवर बी टू। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि जो गिवन पेयर है उसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू। तो सॉल्यूशन क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ, किसी भी एक मेथड के साथ सॉल्व करो, बाय एलिमिनेशन और ग्राफिकल। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो लाइन प्लॉट की 1/1, ठीक है, सेकेंड लाइन प्लॉट की, तो उसको ग्राफ पे ड्रॉ किया, पहली लाइन प्लॉट की 0,6 3,0 को ज्वाइन किया तो हमारे पास पहली स्ट्रेट लाइन आ गई, दूसरी को ज्वाइन किया हमारे पास सेकेंड स्ट्रेट लाइन आई, और ये दोनों लाइन जो है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2,2 पे। तो 2,2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन इसका जो सोल्यूशन है दैट इज एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2 जो है, दैट इज सोल्यूशन ऑफ दी गिवन डिफरेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये हमने आज ग्राफिकल मेथड किया, और कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किया। तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।